स्वागत है आप सब लोगों का इस शो पर जिसका नाम है कॉमेडी सर्कस का नया दौर। अर्चना जी, आप सोच रहे होंगे कि रोशनी की जगह पर आज मैं क्यों होस्ट करने आ गया हूं, है ना? वो पता है क्यों? क्योंकि आज आयशा टाकी आने वाली है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आयशा टाकिया। आयशा, अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताइए ना। मेरी फिल्म में एक्चुअली प्यार है, मोहब्बत। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है, हाँ बताइए ना फिल्म के बारे में कुछ। बहुत स्वीट लव स्टोरी है। मैं बहुत सिंपल इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, एक छोटे से गांव में रहती हूँ और वॉच रिपेयरर हूँ, और फिर एक एंडी नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और हमारे लाइफ में एक मोड आ जाती है। तो आई होप आज तक मेरी सारी फिल्मों को जितना प्यार दिया है, इस फिल्म को भी उतना ही मोहब्बत दे। जरूर देंगे, जरूर देंगे। थैंक यू। खैर आयशा, आपको मैं जज सीट पे बिठाने से पहले मैं चाहता हूँ कि जितने लोग आते हैं यहाँ पर वो मुझे हमेशा कॉपी करते हैं, तो शुरू हो जाए। अरे तुम्हें 2 लाख रुपए पीछे टांगे दिखाने के नहीं मिलते, यहाँ पे टांगे दिखाने के मिलते। थैंक यू यार, तुमने कहा मुझे पैसे मिलने वाले हैं, मैंने सोचा मैं यहाँ पे फ्री में ही काम कर रही हूँ। मिलेंगे ना पक्का? हाँ जरूर मिलेंगे, जरूर करोगी ना? एक बार जोरदार तालियां हो जाए कृष्णा के लिए। आज हमारी थीम है बेचो तो जाने। अर्चना जी, आपके लिए एक गुड न्यूज है भाई, सुदेश यहाँ पे खोलने वाले हैं एक वाइन शॉप। देखें इस वाइन शॉप पर कौन बहकता है, कौन संभलता है। प्लीज वेलकम सुदेश एज वाइन शॉप ओनर एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। चलो ये भी सही। हेलो अर्चना, नमस्कार जी। नमस्कार अर्चना जी, मुझे पता है आपको बुरा लगा ना, मैंने ठेका खोल लिया शराब का। हाँ नहीं, मुझे पता है आप हमेशा कहती हैं कि ये शराब ने हर किसी को नुकसान पहुंचाया। हाँ। लेकिन अब पता चला ये तो फायदा ही बड़ा, 1500 रुपया रोज कमा रहा हूँ मैं। और सर कैसे हैं आप? बढ़िया। जितने भी ये लोग बैठे आपके फैन हैं, लेकिन सबसे सच्चा फैन मैं हूँ। आपकी वीर फिल्म मैंने 12 बार देखी सर। वो भी अकेले बंदे ने बैठ के हॉल में। तो छोटी बात नहीं, लोग और भी थे लेकिन मैं अकेला था। सर जी, आज बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, जो जो आएगा मैं देख लूंगा। दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला। क्या करें अर्चना जी, दूध पे कोई गाना बना ही नहीं। जितने राइटर हैं टल्ली होकर गाने लिखते हैं आजकल। ये आपका पेट्रोल पंप है भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी। एक काम करो भाई साहब, जरा इसमें पेट्रोल भर दो ना स्कूटी में। पेट्रोल? हाँ। कितना? 2000 का। 2000 का तो नहीं आएगा इसमें। अरे क्यों नहीं आएगा, देखो कितनी बड़ी टंकी है इसमें। भाई साहब ये आगे से भले स्कूटी है, पीछे से स्विफ्ट डिजायर है सर। नहीं नहीं, हेलो आएगा, आएगा। नहीं नहीं, इसमें आ जाएगा लेकिन मेरे पंप में ही 300 का है। देखो अर्चना जी, साले के पंप में दम नहीं है फिर भी स्टैंड अप यही करना चाहता है हमेशा। आप देखा लगता है यार, दूध वाला 3 साल पहले आपके घर पे दूध देने के लिए आता था ना मैं। ओ, बड़ा सुनील पाल, सुनील पाल। अरे साहब क्या बताएं, आपकी ना फ्रिज पे क्या हैंडसम फोटो लगी है सर आपके घर के अंदर। अच्छी लगी? हाँ बहुत बढ़िया। साले तू मेरे घर के अंदर क्या था? नहीं अब आपकी बीबी ऐसी क्या करे साहब, दूध देने वाले बोले साहब घर पे नहीं है, आज दूध उबाल के भी जाओ। ऐसे बोली? हाँ। वो सबको प्यार करती, बहुत अच्छी। ये तो कुछ भी नहीं है, बोलते आज साहब आउट ऑफ टाउन है, अभी तो दही जमा के कल ही जाना। क्या जमाया साहब उसके बाद मैंने।
अच्छा साहब, वो आपका 3 साल पुराना बिल है साहब, 20 लीटर दूध का आपके कुछ 2000 रुपया बनता है साहब। 2000? हाँ। और जो हमारा 20 बनता है वो? आपका काहे का 20 बनता है? जो दही जमाया तूने। ओह माय गॉड। सुनो, इधर 8 साल का हो गया दही। दही बेटा, देखो एक तो हमारी प्रॉब्लम है, हम पंजाबी हैं। मेरा सर नाम है भला, बाजार में जाता लोग कहते वो देखो दही भला जा रहा है। अरे साहब एक काम करो ना साहब, ये आपका पेट्रोल पंप दोनों आपका है, ये मेरे को बेच डालो ना साहब। ये क्या अचानक बेचने बेचाने की क्या बात? वो क्या है ना सर, आज हमारा थीम है ना बेचो तो जाने, कुछ तो खरीदने बेचने की बात होनी चाहिए, फिर बाद में नंबर काट लेते हैं वो। और इधर उधर की बातें मत करो। देखो भाई आज ज्यादा पंचीज नहीं है, इधर उधर की बात करके एक चलाना पड़ेगा। अच्छा साहब, ये दो दो धंधे एक साथ चलाते हो, कमाल है आपका। तू चार चार थप्पड़ मार रहा है, मैं दो धंधे भी ना चला। ये दो दो धंधे साहब एक साथ कैसे चलाना आपका? सर जी ये तो दो दो धंधे आपने देखे, मैंने चार चार चलाए पहले। अच्छा, पहले लेडीज सूट भी सिलाई करता था। अच्छा, लेडीज सूट सीता था? हाँ जी। लेडीज सूट फाड़ता कौन है यार, जो बार बार सीना पड़ता है यार? ऐसी बात नहीं, वो तो मुझे नाप लेने का शौक था, सीता तो कोई और ही था। अच्छा, हमारे एरिया की घर की बहू बेटियों को तू खराब कर रहा है, चले अभी पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ तेरी छाने। ये कंप्लेंट करेगा साला मेरी झूठा कहीं का, ये कर भी देगा तो क्या हो जाएगा, मैं झूठ बोल दूंगा, मैं बोलूंगा मैं फिल्मों का डायरेक्टर हूँ। बदमाश कंपनी मैंने बनाई थी। अच्छा। अर्चना जी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैंने बोतल रखी है नीचे देख लो। अच्छा। विपुल। विपुल। हेलो, हाँ निकुल गांडा। निकुल गांडा। हाँ सु छे, सुदेश लहरी पेमेंट मांगे छे। टेंशन नथी डंडो छे, फिर भी ना माने तो चप्पल छे। हाँ, ओके ओके। अर्चना जी आप सोच रहे होंगे कि विपुल चाहे दारू पीने के लिए क्यों आया। अब क्या बताऊं अर्चना जी, कल मुझे अथर और प्रिया का फोन आया, कहते हैं विपुल जी हमारे 5 लाख रुपए हमें लौटा दो वरना हम सुसाइड कर लेंगे। ऐसे खुशी के मौके पे कौन दारू ना पी। दो दो टके का एक्ट करते हो और 5-5 लाख रुपए मांगते हो तुम लोग। अर्चना जी सॉरी, मैं कल आपका फोन नहीं उठा पाया। हाँ। आपने 5 लाख रुपए मांगे थे। हाँ। थोड़ी रिक्वेस्ट है, 4 का इंतजाम कर दिया है मैंने। हाँ, पीछे आना, चारों देख लेंगे तुझे। लहरी साहब, अरे लहरी साहब क्या बताऊं, ये शो आप ही की वजह से चल रहा है, अगर आप इस शो में ना होते ना तो ये शो दौड़ता। बहुत बड़ा हिट होता हमारा शो। सर जी आप शराब पी रहे हो, क्या बात है, शराब पीने क्या हुआ विपुल जी? अब जब उसकी याद आ जाती है तो कभी कभार पी लेते हैं। ओहो, ये क्या हो गया आपको? कोई बात नहीं, अगले शो में बुला लेंगे राखी सावंत को। राखी सावंत, मैं चमेली की बात कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड। अब उसके पापा नहीं माने, मैं तो शादी का प्रस्ताव लेकर गया था, उन्होंने मना कर दिया मुझको। ओहो सर जी देखो, अगर आप ऐसे जाएंगे तो बुरा लगेगा ना, ऐसे जाओगे तो हो जाएगा। और मेरी बात थोड़ी पिला दे रे। पीनी है? हाँ। कौन सी पियेंगे आप बताओ? एक काम करो। हाँ? मुझे स्कॉच पिलाओ। ओके। रहने दो। हाँ? स्कॉच नहीं, वोडका पिलाओ। ओके। वो भी रहने दो। एक काम करो, बियर पिलाओ। ओके। नहीं वो भी रहने दो। तुम अब रहने दो, मेरा योगा का टाइम हो गया। यार कमाल कर रहे हो तुम, यार बेइज्जती कर रहे हो मेरी। कभी वो पिलाओ, कभी वो पिलाओ। क्या एक्शन कॉमेडी की है ना, है ना, स्टेज पे क्यों नहीं करता ऐसे? देख अगर ज्यादा बोलेगा ना मैं तुझे शो से निकाल दूंगा। सर क्या बात कर रहे हो, मुझे शो से मत निकालिए, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। सर मेरा कसूर क्या है, इधर आओ बैठो। आपने मेरे साथ गलत किया है। क्या गलत किया? सर आपने ये कपिल को क्यों मेरे मुकाबले पे लाए हो आप? स्टेज पे आता है, बात करता ही लोगों की हंसी निकल जाती। ये क्या मोटी ले आते हो आप, हैं? खड़ी होती लोगों की हंसी निकल जाती, बोलती भी नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ सही बात है। मेरे को यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। पीली अब काहे कोई सामने आता तो मैं देख लूंगा सबको। अरे क्या समझे तुम लोग अपने आप को? मैंने जिंदगी देखी है, ये नोच के बाहर निकालूंगा तुझे। सर ये गलत बात है, उठाओ ना। सुना, मेरे विपुल शाह को जिसने गलत बोला
वो पापी है, वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान था, अच्छा अगर विपुल शाह नहीं होता तो यहाँ पर ये बोतलें भी नहीं होती। क्यों रक्तालियाँ मेरे विपुल शाह के लिए? मुझे लगा मेरा नाम विपुल लिखा हुआ है, समझ नहीं आई किधर के विपुल जी। चलो अपना एक्ट अच्छा हो ना हो, हमने आते समय कपिल का खराब कर दिया, तिलक के डिग गए। यही होती है। आदे, आदे, आदे। क्या आप फिर से एक बार इनके लिए अपने स्टाइल में इनका ओवेशन करना चाहेंगे, यानी कि कुर्सी पे? पहले बोलते ना कि आप एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स, तो पहले एक्शन कर लेते। बहुत ही बढ़िया है। कन्विक्शन, लूज एंड्स, उसको कैसे केटर करना चाहिए। टैलेंट वही होता है जब एज अ टीम आपका जो कोऑर्डिनेशन है, आप एक्ट को गिरने नहीं देते हो। फैबुलस। अर्चना जी, यू नो कृष्णा, व्हेन यू केम इन टुडे आई जस्ट थॉट ऑफ मिस्टर बच्चन। जब बच्चन साहब आते हैं, या जैसे गोविंदा जैसे आते थे, या जैसे सलमान कम्स ऑन द स्क्रीन, यू नो दैट स्टार प्रेजेंस, दैट बर्स्ट ऑफ स्टार एनर्जी ऑन स्टेज, यू हैव दैट एंड गॉड ब्लेस यू। आई होप यू बिकम अ सुपर स्टार वन। आयशा, मैं बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ आप दोनों की। बहुत जीनियस परफॉर्मेंस था। आई रियली रियली एंजॉयड इट। थैंक यू। चलिए अर्चना जी, आप बताइए आप इन्हें कितने नंबर देंगी? जोड़ी अगर सही मायने में मानी जाए तो कृष्णा और सुदेश के। सुदेश, यू आर ऑल्सो सुभान अल्लाह टुडे। 10 पॉइंट। Welcome Rajiv as shopkeeper and Sugandha as army officer. Sohail bhai, aap? आपने कहा था ना कि जो टीम वाइल्ड कार्ड में आएगी मैं उसकी बैंड मारूंगा। मैंने 26 लोगों से पूछा, सोहेल भाई उसको बैंड नहीं कहते। लेकिन सोहेल भाई एक बात बताइए, ये कॉमेडी सर्कस वालों ने जो आपको हमारे एक्ट पर हंसने के लिए पेमेंट दी है, वो करेंसी क्या भूटान की निकल आई? फिर मैंने FBI से पता करवाया, कहते कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं आप में है, क्योंकि किसी ने इनको बता दिया कि ज्यादा हंसने से अर्चना बनने का खतरा है। सुहेल भाई सच बोल रहा हूं, मैं छोटा मोटा स्टैंड अप आर्टिस्ट नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट्स अंडर वियर तक हैं, क्योंकि मैं बॉर्डर पर अंडर गारमेंट्स बेचता हूं। अल्फा बीटा गामा सर, सारे गामा पावा सर, हमारी बटालियन बॉर्डर पर पहुंच चुकी है सर। सर आप चिंता मत कीजिए, अगर सोहेल और अर्चना ने चाहा तो आज जीत हमारी होगी। 33 ओवर 183/6 तेंदुलकर अभी भी खेल रहा है। तू है कौन? मैं मलिका कच्छे वाला। मैं बड़े स्पेशल किस्म के कच्छे बेचता हूँ, मेरे हर कच्छे में आपको 2 छेद पक्का मिलेंगे। क्या? अबे टांगे डालने के लिए। मैं यहाँ पर 70 साल से बॉर्डर पर कच्छे बेच रहा हूँ। इस बॉर्डर बन में 70 साल नहीं हुए। राइटर अनपढ़ ले लो ना, तो इस तरह बेइज्जती होती है। तुम मेरे साथ लड़ रही है, यहाँ फौजी आ गए हैं, तुम बम क्यों नहीं फेंक रही? तेरा बम क्यों नहीं फूटा? क्या कर रही है? यही आर्टिस्ट होते हैं, इनको पंच दे दो वो भी नहीं फूटते, बम दे दो वो भी नहीं फूटते। तेरा तो मैं पजामे और देखती हूँ क्या क्या है तेरे पास। तेरी तो हाँ टिफिन बैंगन, मेरा बम नहीं, नहीं। ये ले तेरा बैंगन। नहीं नहीं, नहीं नहीं तेरा बैंगन नहीं, ये ले। तेरा बैंगन फूट गया। सुहेल जी मैंने कहा था मैं अच्छा स्टैंड अप आर्टिस्ट हूँ, पंच छोड़ो मेरे बैंगन भी फूटते हैं। Ha 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 ha!
यहाँ भी फंबल मार रही है, हालात तो सही लगा। तुम्हें गोली लग गई? कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, सीधा लड़का ही होगा। तुम्हारे घर में कौन है? कोई नहीं है, सब लोग अमृतसर गए हुए हैं। घर में मतलब तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में 31 भाई 16 बहने और एक विधवा माँ। 31 भाई 16 बहने और एक विधवा माँ। अबे मरते हुए मजाक मत कर। हाँ, मरने से पहले तो इस जैसे बड़े मजाक कर लिए ना। अबे मैंने तो बड़े किए पर इन्होंने लोग समझदार बिठा दिए। सहेल जी, गोली से नहीं मरने वाला ये, मुझे मालूम है ये कैसे मरेगा। कैसे? कमेंट दो जी। तो अर्चना जी, आप इन्हें अपने कमेंट से मारेंगी या फिर सवारेंगी? बहुत प्यार से लिखा गया और बहुत प्यार से ही परफॉर्म किया गया एक्ट। वेरी वेरी एंजॉय। सहेल, यू गाइस आर अ टीम दैट विल बी रेकन्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेज। आपका जो टैलेंट है दैट्स यू कैन मैच इट टू एनीबॉडी एल्स ऑन दिस स्टेज। और मैं वही आपका आज जिंक्स तोड़ने के लिए मेरे हिसाब से आयशा राजीव सुगंधा, बहुत मजा आया मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से थ्रू आउट वो सिंगिंग वाला पोर्शन तो आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। आई थिंक बहुत अच्छे से किया आपने, रियली रियली गुड। आई हैड अ लॉट ऑफ फन, गुड लक। अर्चना, क्या आर्ट के श्राप से आज ये दोनों निकल पाए हैं? जल्दी से बताइए हमें। आशीर्वाद ही है। Welcome Siddharth as Bhais and Bharti as Sun. Hi! Hi Roshni! Hi Arjuna! Hi Asha! Hi! Zoe! मेरा सुहेल आ गया। ओह सुहेल, मुझे पता था तुम एक भी पल मेरे बिना रह नहीं सकते। सच्ची बताओ, तुम्हें भी बाहर काम नहीं मिला ना? बहुत खुश हूँ आज, लेकिन मुझे लगता है आज मेरा कुछ ठीक नहीं रहेगा। अरे बाहर कस्टमर की लाइन लगी है और भैंस का कोई नामो पता नहीं। रुको मैं बुलाती हूँ बिपाशा। कैची क्यों चिल्ला रही थी तू? ए किधर मर गई थी? चल सीधी हो, दूध दे, बाहर कस्टमर की लाइन लगी है। अबे ध्यान से देख, वो मेरे नहीं तेरे कस्टमर होंगे। देखो बाहर कस्टमर इतने खड़े हैं ना, चुपचाप दूध दे। अच्छा कितना दूध चाहिए तेरे को? अरे सिर्फ आधा लीटर। आधा लीटर चाहिए ना? हाँ। ये ले 100 रुपए, जा आधा लीटर लेके आ बाजार से। फटाफट दूध दे। अरे मैं दूध नहीं दूंगी बाबा, मेरे फिगर पे असर होता है। चुप कर, फटाफट दूध दे दे, वरना तुझे ना चारे का एक तिनका नहीं दूंगी। अरे मत दे तेरे चारे का तिनका, तेरा हस्बैंड मेरे को दे देगा। उसको एक मार्क मारूंगी ना तो सब लाके देता है। ये नहीं कभी सुधरेगा अर्चना जी, मैं अभी देखती हूँ इसे। हाँ देखो देखो, वैसे घर पे ही बैठा है, कुछ काम भी नहीं कर रहा है। अरे आयशा टाकिया जी, एक वेळ मी कमिटमेंट केली की मी माझं पण ऐकत नाही। क्या ऐशा जी, सलमान भाई ने बोला तो आप झट से पट गई, मराठी में बोला तो आप कुछ बोली नहीं। वैसे सोहेल भाई एक बात बोलिए मुझे, मेरे और सलमान भाई में फर्क क्या है बोलिए? उनके दांतों में गैप नहीं है बस। मेरा नाम मिठाई का दुकान है, अभी ये मिठाई में मैं मेरा दूध यूज करती हूँ, उसको दूंगा तो फिर मेरे को कम पड़ेगा कि नहीं बोलो आप। ए,
ये क्या है? सुअर का मुंह है, भैंस का तेरा बदन है, पोपट के तेरे पंख है। अबे जज ने बोला था कॉमेडी में वेरिएशन निकाल, पैदा होने में नहीं। क्या हुआ? मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं ये पिग अपनी माँ को ढूंढेगा, क्योंकि सोहेल अर्चना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं ढूंढूंगा अपनी बिपाशा माँ को। बिपाशा माँ? हाँ, वो तो मैं हूँ। एक मिनट, वही नाक, दो दो हाथ, दो हाथ। बस माँ, आगे की चीजें मत मिलाओ, सिमिलर नहीं है। तू मेरा बेटा है, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा एक मिनट, जब भी डालने से पहले एक बात बता, ये तूने क्या किया? अरे बेटा, मैं चाहती थी तू शेर जैसा बने, फिर उस रात शेर आए नहीं। लेकिन माँ, मेरा बाप कौन है? 1, 2, 3। तुमने इन तीनों के साथ खेला प्यार का खेल, लेकिन मुझे क्या मिला? बापों का कॉकटेल। यस अर्चना टेल, कि कैसा लगा हमारा ये एक्टेल। अर्चना टेल, आपको कैसे लगी ये अनोखी फेरी टेल? बहुत ही एंटरटेनिंग एक्ट था ये। सिद्धार्थ, जो भी आप करते हैं उसमें इतना कन्विक्शन है कि वो हमको कन्विंस कर देता है। आई थिंक इट इज अ मैड एक्ट, वेरी वेरी नाइसली डन, विद फुल कन्विक्शन एंड फुल मार्क्स टू यू गाइस। वेरी नाइस। आयशा, बहुत मजा आया मुझे। मैं बिगिनिंग से एंड तक हंसती रही। आई हैव नॉट स्टॉप्ड फॉर इवन अ सेकंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सोहेल, एक राइटर सोचता है, उसके हाथ में सिर्फ एक कलम और एक कागज होता है और वो दुनिया के कोई भी कैरेक्टर सोच सकता है। एक्टर को कन्विंस होना और कन्विंसिंगली ये एक्ट करना, इट इज फैबुलस। एंड मुझे लगता है कि यार फाइनल में मैं आपको ही देखूंगा। अच्छे अच्छे नंबर भी दे दीजिए सोहेल। 9 points. मेरे को एक बात बोलनी है कि आयशा जी के लिए, कि हमने ऐसा रिसर्च किया है कि आपको श्रीदेवी जी बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत, तो बहुत बड़ी फैन हूं। प्लीज आप अगर आके, बिल्कुल, और हमारे कॉमेडी सर्कस के सारे फैंस देखना चाहते हैं कि आप और मैं जब स्टेज पे हो तो ज्यादा सेक्सी कौन लगती है। तो प्लीज आप आ जाइए। As wedding planner and Priya as Ichhadari Nagin. सुनो, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, भाग के भगा के जगा के सुला के, जैसी चाहो वैसी शादी करा लो। साग सब्जी धोनी भजी पंडित पंडाल, फेरे हो या बिदाई, हर किस्म की रस्म है हमने निभाई, नाम हमारा पंडित झूले लाल। अर्चना जी, आप भी शादी करा लो। क्या हुआ, हो चुकी है? हाँ। इस बार दुल्हन बन जाना। अरे आयशा टाकिया, तुम्हारी शादी करवा दी है ना? देखो अब मैं तुमसे और बात नहीं कर सकता, अब बस रहने दो। कॉमेडी किससे हो नहीं पाती है, यहाँ के जजेस को इरिटेट कर रही है। मैं इच्छादारी नागिन हूँ। मैडम, यहाँ सिर्फ फनी लोग आ सकते हैं। आई एम वेरी फनी। ये लो अर्चना जी, अब तो हमारे एक्ट में फन आ गया है, अब देखना हम अब भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। वैसे मैडम, आप तो इच्छादारी नागिन, आप तो कहीं पे भी शादी कर सकती है फिर यहाँ। ये एक बहुत लंबी कहानी। लंबी कहानी है, फिर मैडम रहने दो, खैर सुनाओ। बरसात की उस रात मैं और मेरा नागराज फन में फन डाले घूम रहे थे। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि नाग पंचमी की रात मुझसे शादी करेगा, मगर शादी की रात वो कमीना आया ही नहीं। तो मैंने उसकी सुपारी दे दी, जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। देखो, मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है। सोहेल, मेरी इससे बात चला दो ना। सोहेल से आपकी बात चलाऊं? मैडम, वो रिक्शा चला लेंगे, आपसे बात नहीं चलाएंगे। तो
फिर कपिल से करा दो। कपिल उसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। नहीं मतलब ऐसे ऑफिशियली नहीं हुई, ऐसे मन मन में होता है ना मैडम वो। आपको क्या लग रहा है मैडम कि चार सीजन से पिछले ऐसे फोकट में जिताए जा रही हो उसे? अब तूने एक भी लफ्ज और कहा ना तो मैं तुझे डस लूंगी। अरे मुझे क्या डस रही हो, उधर से डस लेके जब दिखाओ तब मारू मैं तुम्हें। पर जैसे वो देख रहे हैं ना, सात आठ से ज्यादा नहीं डसेगा मेरे को लगता है। डस दो इसे। अर्चना जी बताइए, आप दोनों में इतनी लगन है टू इम्प्रूव एंड टू डू वेल, आज वो मामला नहीं जमा जो जमना चाहिए। सुहेल, आई रियली थर्डली एंजॉयड माय सेल्फ एज अ टीम। थैंक यू सर। चलिए भाई, तो इनके टीम वर्क के लिए ही सही, सुहेल आप अच्छे नंबर दे दीजिए इन्हें। 8 पॉइंट अर्चना, 7 पॉइंट। प्लीज वेलकम कपिल एज डोर टू डोर सेल्समैन एंड श्वेता एज कस्टमर। हेलो जी भाभी जी, जी मैं सेल्समैन बोल रहा हूँ। क्या हुआ? जो साबुन मैंने आपको दे दिया था साड़ी धोने का, हाँ साड़ी छोटी होगी उससे। तो एक काम करो, उसी साबुन से खुद नहा लो, बैलेंस हो जाएगा। फोन काट दिया। आयशा मैं आपका ऐसे मत कर रहा हूँ। मैं इतना फैन हूँ ना आपका, इतना फैन, मैंने वांटेड देखी ना आपकी, कसम से मुझे इतना गुस्सा आया ना महेश मंजरेकर पे। मतलब आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ था, रिहर्सल पे नहीं आता था? उसको जब पता था स्क्रिप्ट के हिसाब से शादी सलमान खान के साथ होनी, फिर क्यों पीछे पड़ा था वो? चलो खैर कोई बात नहीं, मैं डोर टू डोर सेल करता हूँ। अभी मैं नया मेरा प्रोडक्ट आया, एक साबुन आया है, आपके देख रही हूँ, इनके घर में भी गया था मैं बेचने। इतने कंजूस है ना, ट्रायल ट्रायल के चक्कर में दोनों बच्चों को नहला दिया इन्होंने। परमीत की दो बनियान भी धो दी। और एक साबुन तो मेरे चॉकलेट समझ के खा गई ये। फिर मुंह से इतने बुलबुले छोड़ रहे थे ना एक हफ्ता तक, परमीत हाथ दबा दबा के ना सर इनका मुंह से हैंड वॉश की तरह यूज कर रहा था इनको। चलो खैर मेरे को क्या है, मेरी सेल छूनी चाहिए, ये घर में बेचता हूँ, इस घर में शांति लगता, कोई औरत नहीं है। टिंग टोंग। अरे आई। ट्रिंग ट्रिंग। अरे अरे आ रही हूँ। ओह माय गॉड, नाइटी में आगे लगता डिस्टर्ब किया। चुप। बार बार बेल क्यों बजा रहा है? तो क्या करें, आप औरतें हमारी मर्दों की एक बार में सुनती कहाँ हैं? बकवास मत कर, कौन है तू? मैडम मेरा नाम चीकू अंबानी है। मैं पैसे दे दो प्रोडक्ट ले लो मार्केटिंग कंपनी से आया हूँ। चीकू अंबानी? हाँ जी। शर्म नहीं आती तुझे? नाम रखता है अंबानी और घर घर में जाके चीजें बेचता है। तो इसमें क्या है, मेरा एक कजन है पिंटू टाटा, वो तो शौचालय से दो दो रुपए लेके लोगों को अंदर घुसाता है। मुझे कुछ नहीं खरीदना, जाओ यहाँ से। नहीं खरीदे मत, एक सेकंड, मैं तो एड्रेस पूछने आया था, ये मिसेस गुप्ता का घर किधर है? क्यों, मिसेस गुप्ता से क्या काम है? खूबसूरत निकली तो काम ही काम है, नहीं तो फिर मैं अपनी क्रीम बेच के निकल जाऊंगा। क्रीम? जी मैडम, ये मैडम हमारी कंपनी ने नई क्रीम लॉन्च की है, फेयर एंड बबली। अरे बेवकूफ, फेयर एंड लवली होता है। अरे नहीं मैडम, इसी चक्कर में तो लोग गलत क्रीम ले आते हैं, ये फेयर एंड बबली, ये इतने काम की क्रीम है, सिर्फ आपको इतनी सी लगानी है। इतनी सी? हाँ, इतनी सी यहाँ, इतनी सी यहाँ, इतनी सी यहाँ, इतनी सी यहाँ, 50 ग्राम हाथ पे। इतनी लगानी है? लगानी नहीं है, आपको दूध में डाल के खानी है वो। दूध में डाल के खानी है? जी। उससे क्या फायदा होगा? नहीं, फायदा क्रीम से होना, दूध से तो होगा कि नहीं आपको? आपको आयरन की कमी पूरी होगी उससे। अबे अनपढ़, दूध में आयरन नहीं कैल्शियम होता है। अरे कमाल कर रही है, मैंने कल अपने घर में दूध से पनीर बनाया, मेरे हाथ से छूट गया, टन करके आवाज आई, आयरन होता है मैडम, ऐसी बात नहीं, होता है। चल जा यहां से, जा। देख कल मेरी शादी है, मुझे बहुत काम है, मेरा टाइम खोटी मत कर, जा। एक्सक्यूज मी, सॉरी, आपकी शादी है? हाँ। मैडम हमारी कंपनी ने किताबें लॉन्च की, आप ये देख सकती हैं, इसमें बताया गया है कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, ये आप पढ़ सकती हैं। अरे मुझे ये किताब नहीं चाहिए, मेरे यहाँ बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं? तो अगला पेज भी देखना, इसमें ये भी लिखा बच्चे कैसे पैदा करें। देखो हमारे यहाँ ना शादी से पहले बच्चे नहीं होते। मैडम बच्चे को कौन सा पता शादी के पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है। अब एक काम करें, बच्चा पैदा कर ले अच्छी रहेगी, पता क्या, खुद की शादी में बच्चे ना आए तो अच्छा लगता है। मैं तो खुद अपने मम्मी पापा की शादी में कहते मैं ड्रिंक भी किया था। देखो मुझे बहुत काम है, मेरा टाइम खराब मत करो, जाओ यहाँ से। एक सेकंड मैडम, आप गुस्सा ना करें, आपकी शादी है ना? हाँ। आपका वो हो गया मैनीक्योर पेडीक्योर वगैरह? हाय कहाँ हुआ, अभी तक वो पार्लर वाली भी नहीं आई। तो आई, एक बात मैडम, हमारी मार्केटिंग कंपनी में क्या नहीं होता, हम लोग जाके मैनीक्योर पेडीक्योर भी करते। आप बैठिए दो मिनट,
मैं आपका मैनिक्योर करता हूँ. देखिए आप तो ना कितने अच्छी बात है आपकी. ले ले मैनिक्योर जल्दी से खत्म कर, मुझे बहुत काम करना है. कौन से काम करने हैं? और तुम्हें बिग बॉस तुम कब का जीत चुकी हो? भोजपुरी फिल्म में तुम मना कर देती हो. कसौटी बंद हुए 10 साल हो गए. कॉमेडी सर्कस कर चुपचाप. एक तो वो मरा हलवाई नहीं आया, उसे फोन करूं मैं. मैडम मेरी बात सुने एक सेकंड. आप हलवाई को क्यों कर रही हैं फोन? अरे खाना बनवाना है बेवकूफ. मैडम हमारी कंपनी खाना, मैं खुद खबड़ा अच्छा खाना बना लेता हूं. क्या बनाना बताइए आप? इटालियन चिकन. इटालियन चिकन कैंसिल कर दे मैडम, महंगा पड़ेगा आपको. महंगा क्यों पड़ेगा? एक तो पहले इटली से मुर्गे का वीजा लगाओ. वीजा वीजा लग भी गया तो आपके बराती आएंगे इंडियन मुर्गा, इटालियन, लैंग्वेज प्रॉब्लम होएगा. आप एक काम करें, सी फूड मंगा लें, सस्ता पड़ेगा आपको. सी फूड सस्ता पड़ेगा? क्यों? तेरा बाप मछुआरा है? देखिए मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, सी फूड आपको कैसे सस्ता पड़ेगा? देखिए आपने शादी के कार्ड छपवाए? हाँ छपवाए. कितने? पूरे 200. आप ऐसा करो कार्ड 300 करो, 100 कार्ड जुहू बीच पे जाके समंदर में फेंको, मछलियां इन्विटेशन पढ़ के आएंगी. मसाला तैयार रखना, आते ही मसाला लगा के कढ़ाई में ठोको. ठीक है, मेहमान आएंगे, मेहमानों को कढ़ाई में ठोको, मेहमान को मेहमान खिलाओ. ऑक्टोपस को मत बुलाना, वो बड़ा तेज है. 8-10 हाथ होते हैं उसके. इसको मैंने लगाया, मैंने उसको बेसन लगाया, साला ऐसे ऐसे करके ना कढ़ाई साइड पे करके निकल गया. 2 हाथों से कढ़ाई पीछे करी, 2 हाथों से मेरा सामान उठाया गया, 2 हाथों से गालियां दे गया मेरे को. पागल आदमी है क्या? क्या बकवास किए जा रहा है 1 घंटे से. ए रुक जा. हेलो, क्या लंदन वाली मामी नहीं आ रही? हे भगवान अब क्या होगा? मम्मी नहीं आ रही? नहीं जी. एक सेकेंड, अब तब गुस्सा मत किया करें. देखिए हमारी कंपनी जो है रिश्तेदार भी सप्लाई करती है. जैसे जैसे आपकी शादी है ना, जैसे मामी जी फ्लाइट छूट गई, ऐसे ही पिछली शादी में एक दुल्हन की बुआ नहीं आई थी. हाँ। पटियाले वाली, तो मैं पटियाले वाली बुआ बन के चला गया था वहाँ पे. या, कैसे? लड़के वाले बड़े चलाकते, पकड़ लिया उन्होंने मुझे. उनको पता चल गया मैं नकली बुआ बनाऊँ. जैसे लड़के के बाप में पैर छूने लगा ना, मेरा संतरा गिर गया. लड़के का बाप पता क्या कहता है? लड़के का बाप कहता, आप तो कह रहे थे अंबाले वाली भुआ है, संतरा देख के तो लग रहा नागपुर वाले भूपा जी. फिर पता है मेरे को ना खाना भी नहीं दिया, उसी संतरे का जूस निकाल के मैंने टाइम पास किया. ऐसा होता है. जिधर आपकी शादी हो रही, कौन सी जगह पे हो रही है? मेरी ना सुल्तानपुर के वो जो सरपंच है ना, उनके बेटे से. कौन से वाले बेटे के साथ? बड़े वाले के छोटे वाले के साथ? बड़े वाले से छोटे और छोटे वाले से बड़े वाले. बीच वाला के साथ? हाँ. दीदी? हाँ. मैं ही हूँ जीजू. भड़क क्यों रही हो? ए, मैं कौन सा तेरे से शादी करना है? मैं तो आयशा के घर जा रहा था. हाँ, तू वहीं जाकर साबुन बेच. ए, साबुन खरीदती तेरे जैसी लड़कियां जिनको पसीना आता है, वो तो गोरी चटी लड़की है. वो साबुन से नहीं नहाती, ये तो दूध मक्खन से नहाने वाली लड़कियां हैं. लक्स का दूध मंगाया, डव का पनीर मंगाया, उससे नहाती है. जो तो कपड़े धोती है ना साबुन से, ये तो कपड़े भी धो के नहीं पहनती हैं. मतलब एक बार गंदा हो जाए उसको फेंक देती हैं. ऐसी हैं. अब देख लो जिससे नंबर नहीं भी लेने उसकी कितनी तारीफ कर रहे हैं. आपको पता है ये क्यों कर रहे हैं? क्यों? उसी साथ तेरे को पता नहीं हमारा खत्म हो गया. चुकी है, लेकिन आज के इस अवतार के बारे में सबसे पहले आपकी ही राय जानना चाहती हूं मैं. आज मैं कुछ ऐसा करूंगी जो पहले मैंने कभी नहीं किया. थैंक यू मैम. मैंने इससे भी बेहतर एक्ट्स कपिल के जरूर देखे हैं, लेकिन इस एक्ट में ऐसी खूबियां थी जो इस स्टैंडिंग ओवेशन के ही लायक हैं. एक तो श्वेता, हैट्स ऑफ टू श्वेता, यू आर फैंटास्टिक. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच. फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, फैंटास्टिक. और कपिल, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, सबके सामने मैं ऐलान करना चाहूंगी, आई लव यू. सुहेल, आपके लिए वैसे सब प्रैक्टिस भी हो गई है, तो थोड़ी जल्दी भी चढ़ जाता हूँ अभी. पूरे कपड़े भी पहन कर आए हैं. आयशा, बस आप ही बची हैं एक स्टैंडिंग ओवेशन. सुपर. चलिए फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, दे दीजिए आप एक साथ नंबर्स. व्हेन आई हैव टू जज हिम नो, मैं लगता है यार मेरी औकात के इनको जज करते हैं. सो इफ देयर वाज एनी मोर नंबर देन दिस,
I would have. Yeah. Thank you, Sohail bhai. Archana ji. Same here. 10 and 10 and no doubt taliya ho jaye. Shweta aur Kapil ke liye. Apni scripts ko mazboot banane ke liye Vishakha ne bula liya hai ek saath kai writers ko. Please welcome Vishakha as herself and Mantra as various characters. Scripte le lo, scripte, 10-10 number wali scripte le lo ho. Har script par Archana ke 5 thahake aur mind-blowing comment ki guarantee free me le lo. Sohail bhai, suna Sher Khan ka direction chal raha? Sir, agar script complete nahi hui na, to humare comedy circus pe ek se ek script writer hai. Unse kabhi mat likhwana. Pata chala aapki film ban ke tayyar bhi ho gayi aur ye log bol rahe sir end baki hai. Thoda sa climax sahi bacha, main dal dunga sir. मैं हूं झांसी का वर्ल्ड फेमस राइटर नाराज शांडलिया और यहां पर मैंने 12-12 फिल्में और 14-14 हिट सीरियल लिख दिया होते अगर काम मिल गया होता तो देखिए यहां जिंदगी तो झंड है फिर भी घमंड है कॉमेडी के नाम पे यहां हो रहा फंड है तेरी माँ का इसकी माँ का साकी ना का कह रहा है बुड्ढा काका शर्मा जी का किसके साथ चल रहा है देखो टाका ओहो ये अर्चना हंस रही है हाँ हाँ ये तो हंसेंगी क्योंकि अर्चना भी हंस रही है ऑडियंस भी फंस रही है नोट कमाने के लिए रोज दांत घस रही है वाह अच्छी जी इधर उधर दाएं बाएं लड़के लड़की आ पटाए मामला जो सेट हो जाए सटायर हो अटायर हो मैसेज हो देखो एक बात होता है तेरे को कॉमेडी सर्कस की स्क्रिप्ट चाहिए थ्री इडियट्स की ये ऐसे लोग होते हैं इनको काम करना टॉम क्रूज के साथ और तकिए के नीचे रवि किशन का फोटो रखे घूमती रहती हैं ए नाराज चंडीले तू राइटर या फाइटर है चल निकल मुझे कुछ नहीं लिखना तेरे से निकल तो मैं जाऊंगा तेरे लिए लिखना भी नहीं है मेरे को पर ये मत भूलना तू दुनिया की सबसे बड़ी टेंट है और ये कॉमेडी सर्कस है मैडम यहाँ तो सोहेल भी नहीं परमानेंट है देख रहे हो सोहेल भाई अच्छा सचमुच के देख रहे हो क्या फिर देखना बंद भी करो हाँ वैसे आपकी कोई गलती नहीं है मुझे देखने में वक्त तो लग ही जाता है नहीं है यही वो वक्त है रंग है तरंग है भुजंग ही भुजंग है मेरी बातें सुनने वाला हर कोई दंग है पजामा नहीं खुल रहा नाड़ा मेरा तंग है लघु शंका की लगी एक शंक है कहाँ जाऊँ बताइए कहाँ पर हैं हम क्या कर रहे तू नाम क्या है तेरा मैं हूँ पद्म भूषण पद्मश्री भाग्यश्री ऋतुश्री राजश्री लेखक कुमार आखिर आखिर जी हाँ मैं आखिर में पैदा हुआ था इसलिए अच्छा राइटिंग के अलावा कुछ आता है तुम्हें जी मैंने 4 रेप केसेस में अंदर हुआ हूँ नहीं मैं स्क्रिप्टों का रेप कर जाता हूँ मैं शुरू से आखिर तक जंप कर जाता हूँ मेरे स्क्रिप्ट की रेप मत कर तू कुछ सुना कॉमेडी मैं तो कॉमेडी सर्कस को कविता के माध्यम से सुनाना चाहता था अगर इजाजत हो तो पेश किया जाए देखिए यहाँ जिंदगी तो झंड है फिर भी घमंड है कॉमेडी के नाम पे यहाँ हो रहा फंड है इसकी माँ का साकी ना का कह रहा है बुड्ढा काका शर्मा जी का किसके साथ चल रहा है देखो टाका ओहो ये अर्चना हंस रही है हाँ हाँ ये तो हंसेंगी क्योंकि अर्चना भी हंस रही है ऑडियंस भी फंस रही है नोट कमाने के लिए रोज दांत घस रही है वाह अच्छी जी इधर उधर दाएं बाएं लड़के लड़की आ पटाए मामला जो सेट हो जाए क्या बात है यार क्या बात है मैंने मान गई तेरे को दोस्त मान गई अजी मानेंगे तो तब जब सनसनन साएं साएं की आवाजें वहां से आएंगी नमस्कार आयशा सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रही हूँ कैसे लगे आपको ये अनोखे राइटर और हमारी प्यारी सी विशाखा मुझे बहुत मजा आया आई रियली लव स्पेशली द होल पोर्शन जब आपने अभी गाया एब्सोल्युटली फन आई थॉरली एंजॉयड इट थैंक यू Archana, I loved the first part of this act. Was tremendous and fantastically performed by you, Mantra, and by you, Vishakha. Both of you, well done. But the writers, very well. Sohail, मुझे इस act में इतनी enjoyment नहीं हुई. For me, you can do much better than this. That's the only thing I felt. चलिए Sohail, इसी के साथ आप numbers भी दे दीजिए, please. 8 points. Archana, 9 points. यही लगेगा कॉमेडी का सबसे बड़ा ओलंपिक ह्यूमर के खिलाड़ी खेलेंगे लाफ्टर के खेल ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.